नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट फार्मर में। आज हम अंजीर के पौधे में एयर लेयरिंग किस प्रकार से करना है वो देखेंगे। एयर लेयरिंग मतलब गुट्टी कलम, वो हम रिजल्ट के साथ देखेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। एयर लेयरिंग मतलब एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार करना, वो भी 40 दिन में एक लगाने योग्य पौधा तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमें, ये आप पौधा देख रहे हैं अंजीर का, एयर लेयरिंग के लिए कम से कम जो ब्रांच की साइज़ हम सेलेक्ट करते हैं वो अपने हाथ के अंगूठे के बराबर तो भी कम से कम होनी चाहिए। इस ब्रांच पर हम 1.5 से 2 इंच का कट लेंगे इस प्रकार से। अभी ये इसके बीच की जो छाल है वो निकाल देनी है। वैसे अगर हम नर्सरी में अंजीर का पौधा ख़रीदने गए तो इसे 150 से 200 रुपये देना पड़ते हैं हमें, लेकिन अगर हम घर पर ही इस विधि से इसे तैयार करेंगे तो ये बिना लागत के पौधा तैयार हो जाएगा और उसकी गुणवत्ता भी हमें मालूम रहेगी। क्योंकि जो पहला पौधा हम जिस पे एयर लेयरिंग कर रहे हैं उसके पूरे कैरेक्टर्स इसके अंदर रहेंगे। इस प्रकार से उसकी पूरी छाल धीरे धीरे से निकाल देना है। अभी ये जो इंटरनल कैम्बियम है इसे इस प्रकार से खरोचना है। ये हम इसके ऊपर के जो रेशे हैं ये अगर नहीं निकालते हैं तो ये वापस से स्किन फॉर्मेशन हो जाता है और हमारी एयर लेयरिंग विफल हो जाएगी। उससे एयर लेयरिंग के लिए बरसात का सीज़न उचित माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में वातावरण में जो ह्यूमिडिटी बनी हुई रहती है उससे इसका सक्सेस रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। यही अगर हम एयर लेयरिंग दूसरे किसी सीज़न में ट्राई कर रहे तो हमें जो हम गुट्टी बांधते हैं उसके अंदर मॉइस्चर नमी बनी हुई नहीं रहती है, तो नमी बरकरार रहने के लिए हमें 10 से 15 दिनों बाद इंजेक्शन से पानी छोड़ना पड़ता है। क्योंकि ये एयर लेयरिंग सफल होने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लग जाता है। हम इस कट की हुई जगह पर इस एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह पर शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन है, ज़्यादातर लोग इस जगह पर जो रूटिंग हार्मोन पाउडर आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गुट्टी बांधने के लिए हमने ये कोको पाउडर और सॉइल का मिक्सचर लिया है। आप इसकी जगह पर कंपोस्ट खाद
कोको पाउडर और सॉइल तीनों का मिश्रण भी ले सकते हैं। इसमें नमी बनी होनी चाहिए। अब हम इसे बीच में से काट के इसे इस प्रकार से कवर कर देंगे और रस्सी की मदद से इसे इस प्रकार से बांध देना है। इसे एक ब्लैक पन्नी से ऊपर से कवर कर देना है जिससे कि इसके अंदर की जो नमी है वो जल्दी कम न हो। अब हम इसे अगले 40 दिनों तक ऐसे रहने देंगे। आपको रिजल्ट बताने के लिए मैंने 40 दिन पहले इसी प्रकार से दो जगह पर एयर लेयरिंग करके रखी हुई है, उसका रिजल्ट मैं अभी आपको इसके तुरंत बाद बता देता हूँ। 40 दिन पहले हमने इन दो जगहों पे एयर लेयरिंग की थी, अभी उसका रिजल्ट हम देखेंगे। देखिए कितना बेहतरीन जड़ों का फॉर्मेशन हुआ है इसके अंदर। ये पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट होने की वजह से साफ साफ इसके अंदर इसकी जड़ें दिख रही है। अब हम इसे 1 इंच डिस्टेंस छोड़ के यहाँ से काट देंगे। उसी प्रकार से इसका भी रिजल्ट देखते हैं। इसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से जड़ें निकल आई है। इसे भी हम 1 इंच डिस्टेंस छोड़ के यहाँ से काट देंगे। देखिए अभी कितनी बड़ी साइज़ का पौधा महज 40 दिन में तैयार हुआ है और वो भी बिना पैसे खर्च किए। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें जड़ें डेवलप हुई है। अब हम इसे पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन के अंदर भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ में इसे शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।